दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन बेहद ही खतरनाक होती है। जब चाहे जैसा चाहे कोई भी रूप धारण कर सकती है। हम लोगों के बीच में ही रहेगी परंतु हम पहचान भी नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आपको कभी भी नाग नागिन दिख जाए तो उन्हें कभी मत छेड़ना। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी नाग को मार दे तो उसकी जो नागिन होती है उस व्यक्ति का 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों इसी आधार पर घटित हुई एक सच्ची घटना आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। ये घटना केवल 27 साल ही पुरानी है। ये एक बुजुर्ग के साथ घटित हुई। दिनकर नाम का ये व्यक्ति उस समय नगर निगम में चुंगी वसूलने का काम किया करता था। उनकी पोस्टिंग राजपूत रोड में दिल्ली में हुई थी। एक दिन वो अपनी ड्यूटी के समय खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी अचानक एक नाग झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ जाता है। पहले तो वो नाग को देखकर घबरा जाते हैं, परंतु बाद में पास ही में रखे एक डंडे को उठाते हैं और नाग के ऊपर दे मारते हैं, जिसकी वजह से नाग घायल होकर तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। अब उन्होंने उस सांप को उसी डंडे से उठाकर पास की झाड़ी में फेंक दिया। बाद में जब उनके काम करने वाले बाकी के साथी उनके पास पहुँचे तब उन्होंने उस नाग के बारे में सबको बता दिया कि एक नाग इधर आया था और उन्होंने उसे मार दिया है। सभी लोगों ने ये सुना तो वो चौंक गए और बोले, बाबूजी आपने बहुत ही गलत किया। उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने दिनकर को बताया कि दरअसल यहाँ कई दिनों से हमने नाग नागिन का जोड़ा रोड पर आते जाते देखा था। ये दोनों यहाँ पास ही की झाड़ियों में रहते हैं और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन अब नागिन शायद आपसे बदला ले क्योंकि आपने उसके नाग को मार दिया है। परंतु दिनकर को ये सारी बातें फालतू सी लगने लगी और उसने इन बातों को टाल दिया। कुछ ही दिनों बाद दिनकर का तबादला हो गया और वो शहादरा जाकर नौकरी करने लगा और उस बात को भूल भी गया। फिर करीब 9 साल बाद प्रमोशन मिलने की वजह से एक बड़े अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति फिर से राजपुर रोड में हुई। वो पिछली सारी बातें भूल चुके थे, किंतु उन्होंने यहाँ जिस दिन अपने ड्यूटी दोबारा संभाली उस दिन दोपहर को जब वो खाना खाने बैठे तभी एक नागिन उनके सामने आकर अपना फन फैलाकर बैठ गई। दिनकर ने जैसे ही उसे देखा वो डर के मारे उछल पड़ा और ऊपर टंगी रस्सी पर लटक गया। करीब 10 से 20 मिनट तक लगातार वो वहाँ लटके रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। फिर जब नागिन का थोड़ा सा फन झुकता हुआ नजर आया उन्होंने झट से कूद कर साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद नागिन उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। नागिन की नजर दिनकर पर पड़ी हुई थी। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाते चलाते दिनकर थकान के कारण नीचे रोड पर गिर पड़ा। रोड की दूसरी तरफ भी कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर की उन पर नजर पड़ गई। तभी सारे मजदूर उनके पास पहुँचे। इससे पहले कि वो आदमी होश में आता उन्होंने पीछे से आ रही नागिन को भी देख लिया और सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। फिर जब दिनकर को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास पड़ा हुआ पाया। उन मजदूरों में से एक मजदूर काफी बूढ़ा था। वो जान गया था कि ये नागिन इस आदमी का पीछा क्यों कर रही है। उस बूढ़े मजदूर ने दिनकर से कहा कि आपने इस नागिन के नाक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये नागिन आपसे अब 7 जन्मों तक बदला लेने के पीछे पड़ी रहेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा ये आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर दिनकर पूरी तरह से डर चुका था, तो उसने इसका उपाय भी उसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ लिया। वो बूढ़ा आदमी बोला कि आपको इस नागिन का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कराना पड़ेगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उसके बाद उस आदमी ने नागिन का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया और 13 पंडितों को बैठा कर खाना भी खिलाया। तो दोस्तों इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि नाग नागिन का जोड़ा अगर हमें कहीं पर भी दिख जाए तो भूल से भी उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए और मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी सांप को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर खतरा ज्यादा ही लगे तो मारने के बाद उसके शरीर को पूरे विधि विधान के साथ जला देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।